नहीं मानेगा ये पद्मा। पद्मा जी, अमला दीदी को लेने गाड़ी एयरपोर्ट भेज दी या नहीं? हाँ मैंने भेज दिया। अच्छा मेरी चाय दे दो प्लीज। जी। माय गॉड, पद्मा लुक एट दिस। हमारी सिमरन पर आर्टिकल छपा है। डॉक्टर सिमरन सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर। डॉक्टर सिमरन पहले करियर फिर शादी। सिर्फ 9 सालों में सिमरन ने वो सफलता हासिल की है जो बहुत कम मर्द और उससे भी कम औरतें हासिल कर पाती हैं। हमेशा प्रथम स्थान पर रहने वाली डॉक्टर सिमरन ने बचपन से ही खुद को सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में देखा। आज 34 साल की उम्र में वो जिस मुकाम पर पहुंची हैं, बहुत कम लोग और उससे भी कम लड़कियां पहुंच पाती हैं। डॉक्टर सिमरन माथुर अपने हॉस्पिटल के लिए जिस मेहनत, लगन और समर्पण की भावना से काम कर रहे हैं, वो सभी डॉक्टरों के लिए एक मिसाल है। अपनी कामयाबी का श्रेय अपने पिता सौरभ माथुर को देते हुए उन्होंने कहा कि उनके सपने को पूरा करने में उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। उनका कहना है कि पहले वो अपने करियर पर ध्यान देंगी और फिर शादी ब्याह पर। यस, सिमरन है कहाँ? सिमरन, सिमरन, 2 मिनट्स पापा। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। उठ गई प्रिंसेस? हाँ। कम से कम इन दिनों तो जल्दी उठ जाया कर कि तेरे साथ बैठ के नाश्ता कर लें, फिर मौका मिले ना मिले। और कल रात आप कितनी लेट आई पता है? आपका वेट करते करते मैं सो गई। अच्छा मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ प्लीज, तेरे 2 मिनट में जानती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही है। क्या आज भी? जरूरी है। दीदी हाँ, आज कितना? 3 किलोमीटर्स। 3? तो हो जाए रश्मि आज 3 किलोमीटर। दिखा दो कि तुम भी किसी से कम नहीं। यस। अरे सिमरन जी। बेटा तुमने बताया नहीं तुम पर आर्टिकल छपा। आर्टिकल आ गया? हाँ। इसका इंटरव्यू मैंने इतने टाइम पहले दिया था पापा। डॉक्टर सिमरन पहले करियर फिर शादी। वेरी इंप्रेसिव। फोटो भी अच्छी है। थैंक यू। कम ऑन रश्मि, और तेज। यू कैन डू इट। कम ऑन। यस यस।
वर्दीज कल रात के इमरजेंसी केस का क्या हुआ? ऑपरेशन करना पड़ा, इसलिए देर हो गई थी। केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। पता है पापा, अगर मैं ऑपरेट करने में 2 मिनट और देर कर देती ना, तो माँ और बच्चा दोनों नहीं बचते। ये देखो ना, लिखा है इसमें, डॉक्टर सिमरन के हाथों आज तक किसी पेशेंट की डेथ नहीं हुई है। इट्स अ मिरेकल। पापा, लीव कितने दिनों की है आपकी? एक हफ्ता बेटा, रश्मि की शादी तक। कमाल है, अमला दीदी आई नहीं अभी तक। फ्लाइट लेट तो नहीं है कहीं? पापा, आई जस्ट कांट वेट। बुआ के आ जाने से घर में इतनी रौनक आ जाएगी। आज शाम को तुम्हारे मामा भी पहुंच जाएंगे। करण भी आ रहा है? तुमने मुझे बताया नहीं पहले, वो रहेगा कहां? माँ, मैं तैयार हो जाऊँ? क्या तुम्हारा नाश्ता? कैफेटेरिया में करूँगी माँ। तुमने बताया नहीं करण रहेगा कहाँ? करण वही रहेगा जहाँ सब लोग रहेंगे। Anyway, अच्छा देखो पद्मा, अब सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, मिलकर बैठेंगे तो बातें बनाएंगे। छोटी बेटी की शादी कर रहे हैं, सिमरन अभी तक कुंवारी बैठी है, वही सब बकवास। तो इग्नोर कर देना, टोक देना, लेकिन सिमरन के सामने ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। समझ गई? समझ रही है ना आप? मिर्सा, मिर्सा, रश्मि में भी गिर पड़ी है। कहाँ गिर पड़ी? दौड़ने वाली मशीन पर। रश्मि, 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 क्या हुआ? रश्मि, can you hear me? रश्मि, कैसे गई है? पता नहीं पापा, I was in the bathroom. रश्मि, रश्मि, क्या हुआ? कैसे गिर गई रश्मि? 3 किलोमीटर की एक्सरसाइज मुझसे आज भी नहीं हो सकी दीदी। स्टूपिड लड़की, ये ले पानी पी। ये सब तेरे बस की बातें नहीं है। बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है, उतना ही किया करो जितना तुमसे होता है। पता है मम्मा, लेकिन मैंने सोचा शादी से पहले कम से कम एक बार दीदी के बराबर का कोई काम कर लूं। नहीं हो पाया दीदी। तूने पूरी कोशिश ही नहीं की पगली। एक दिन के एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा। रोज रोज एक्सरसाइज करी तब जाके स्टैमिना बिल्ड होगा। हेलो जी, एक मिनट बेटा। आनंदी, आनंदी कह रही है तुम्हारी पेशेंट है। ओह या। हेलो आनंदी, ज्यादा तकलीफ हो रही है तो एक काम करो, आज ही एडमिट हो जाओ। नहीं नहीं, 3-4 दिन बाद बिल्कुल नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। मैं भी हॉस्पिटल ही पहुंच रही हूँ। बेटा, कब तक वापस आ जाओगी? मामा, शाम तक आ जाऊंगी। दीदी, अगर आज आप नहीं आई ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। शादी नहीं है तेरी आज, सिर्फ एक रस्म है। नहीं पापा, मैं रश्मि की शादी की हर रस्म में शामिल होना चाहती हूँ। कविता शादी करके कब चली गई पता ही नहीं चला, और अब रश्मि भी इस घर से विदा हो जाएगी। आप जानते हैं, कुछ दिन पहले मेरे अस्पताल में एक लेडी को ट्विंस हुए, बड़े प्यारे से गोलू गोलू से। उस दिन के बाद पूरे वार्ड में हलचल मच गई थी। कल मेरा बड़ा मन किया कि मैं उन्हें जाके देखूं, तो चेकअप के बहाने मैं उस वार्ड में गई। पता चला पेशेंट डिस्चार्ज हो चुकी थी। चांस ही नहीं मिला उन्हें मिलने, और कल से उस वार्ड में बहुत सन्नाटा छाया हुआ है। अब रश्मि भी चली जाएगी, मेरा कमरा भी सूना सूना हो जाएगा। ये आप कह रही हैं दीदी? आप तो खुश होंगी, इस घर को कॉलेज कैंटीन बना के रख देने वाली दोनों बहनें चली गई। I'm gonna miss you, रश्मि। Okay. Okay, चलो। अरे उठो भाई, अब बुआ भी आने वाली है बेटा। जी, मुझे भी अस्पताल पहुंचना है।
रश्मि अपने हाथ तो दिखा। आज शाम तक तो ये मेहंदी से रंग उठेंगे ना। कैसा दिख रहा? अरे ये क्या, बाल काले करने की जरूरत तभी महसूस करते हो? सौरभ अभी तो बाहर आ जाओ। देखो दीदी, बाल कम जरूर है लेकिन डाई बिल्कुल नहीं किए, मिजाज रंगीन है, इज अ नेचुरल डाई। यस दीजा। कैसे बदला? मैं बिल्कुल कैसे क्या, आप कैसे? बहुत अच्छे। चलिए ना, खूब तैयारियां हो रही है। बिल्कुल, ले भाई सामान ले। कैसी हो बेटा? नमस्ते जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको कैसी लग रही? हाँ बिल्कुल वैसी की वैसी, लेकिन एक आदत अभी तक नहीं बदली। कौन सी? अरे वो ही भाग भाग के चलने की। तुम्हें पता है जब तुम 2 साल की थी तुम इसी तरह भाग भाग के चलती थी। सौरभ उस वक्त तुम नैनीताल में पोस्टेड थे। सत्य कौन से साल की बात है वो? 70। ओह माय गॉड, 32 years ago? How time flies. Hello? You're 34? Simran, तुम 34 साल की हो गई हो? दीदी आपको पता है आज के अखबार में सिमरन पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है। अच्छा, वेरी गुड। बेटा तुम्हारा हॉस्पिटल कैसा चल रहा? बहुत बढ़िया चल रहा है, आप आइएगा जरूर। श्योर। बुआ आई हैव टू रश, मैं आपको शाम को मिलती हूँ। ओके बाय 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 बाय। ऐसे हो? बाय। सौरभ वैसे तुमने जिंदगी में 2 ही काम ढंग के किए हैं, एक तो तुमने सिमरन के लिए हॉस्पिटल बना दिया और दूसरा उस अंजलि को लिखा हुआ खत गलती से पद्मा को पोस्ट कर दिया था। अरे दीदी क्या दीदी, वो है अभी तक या क्या यार, चीजा मरवाओगे? अरे क्या नाम बताया था उसका? अंजलि। अंजलि व्हाट? बिच। पिछली बार तो कुछ और कहा था। कुछ भी लगा ले, रहेगी वो बिच। पार्वती ठीक हो? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग ईवा। डॉक्टर आनंदी को एडमिट कर लिया गया है। आप विजिट कब करेंगी? अभी डॉक्टर मीना को भी इन्फॉर्म कर दूँ एंड डॉक्टर मानस के आते ही मुझे बता देना। ओके आज 6 बजे के बाद 9 अपॉइंटमेंट्स होंगे। आई नो, आज रश्मि की मेहंदी है ना। Dr. Meena, Dr. Simran has asked you to reach room number 43 immediately. Yes, ma'am. Hi. BP कितना है? 120/90। ओके, इन्हें सोनोग्राफी के लिए ले जाइए और यूरिन टेस्ट भी। ओके आनंदी, बीच में ऐसे रह रहकर दर्द करेगा बट इट्स ओके, तुम ठीक हो जाओगी। ऑलराइट, टेक डीप ब्रेथ्स। काम डाउन। देखिए डिलीवरी तक आनंदी को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा और आप एक बात का ध्यान रखिए, हर वक्त आनंदी के साथ कोई होना चाहिए। ऑलराइट, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। डॉक्टर सब ठीक हो जाएगा ना? She'll be all right, don't worry. अब तो उठ भी नहीं पाती, बहुत तकलीफ में है। कोई खतरा तो नहीं है? खतरा तो है, ये आप ही जानते हैं। प्लेसेंटा ने यूट्रस का माउथ ब्लॉक कर दिया है और डिलीवरी का टाइम भी पास आ गया है। ऐसे में आनंदी का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा एंड वी हैव टू मॉनिटर एवरी मिनट। और अगर ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ गई तो शायद इमरजेंसी ऑपरेशन भी करना पड़े। वैसे उस वक्त उनके हस्बैंड को यहाँ होना चाहिए। जी अभी वो दुबई में है लेकिन आज या कल में जरूर आ जाएंगे। नहीं तो आप प्लीज उन्हें बुलवा लीजिए क्योंकि ऑपरेशन के लिए उनका कंसेंट बहुत जरूरी है।
एंड मोर देन एनीथिंग एल्स उनका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है. हमने ब्लड का इंतजाम तो कर ही लिया है मगर उनके यहाँ रहने से हमें और सहूलियत हो जाएगी. डॉक्टर सिमरन हमें आप पे पूरा भरोसा है. आनंदी को भी आप पे पूरा भरोसा है. थैंक यू वेरी मच. लेकिन इस वक्त आप प्लीज आनंदी के पास रहेंगे तो बेटर है. चॉकलेट्स एक्सक्लूसिवली तुम्हारी खब्बू बहन कविता के लिए है. उसने खास तौर से मुझे फोन करके कहा कि चॉकलेट मुझे बच्चे के सामने मत देना वरना शेयर करने पड़ेंगे. कविता बिल्कुल नहीं बचती. कहाँ है वो? वो शाम तक आ जाएगी. और बुआ जी मेरे लिए मुझे कुछ नहीं मिलेगा? दूल्हा तो दे रहे हैं तुझे, अब और क्या चाहिए? हाँ वो तो मैंने ढूंढा है. अच्छा ठीक है तो मैं तुझे वही दूंगी जो 4 साल की उम्र से तुझे देती आ रही हूँ. मेकअप किट. वाओ नाइस. यस इसे तो बचपन से ही सजने संवरने का इतना शौक था कि जब इसका मेडिकल में एडमिशन हुआ ना मैं तो समझ गई कुछ नहीं होने वाला. ये नहीं टिकने वाली हमारी सिमरन की तरह. आप हमारी सिमरन के लिए कुछ नहीं लाए? अब सिमरन के लिए क्या लाती? लड़की होते हुए भी ना उसे मेकअप का शौक है ना कपड़ों का और ना ही खाने पीने का. वो इसलिए दीदी कि हमारी सिमरन जो है ना वो आम लड़की है ही नहीं. मानती हूँ कि वो खास है लेकिन खास लड़कियां भी तो शौक पालती हैं, शादी करती हैं. शादी का क्या है दीदी, शादी तो सबकी हो जाती है. अब हमारी रश्मि को ही ले लो. हम इसे भी सिमरन की तरह डॉक्टर ही बनाना चाहते थे. MBBS सेकेंड ईयर का एग्जाम ही नहीं दिया, कहने लगी कि मुझे शादी करनी. क्योंकि 5 साल MBBS फिर 5 साल डॉक्टर बन के एस्टेब्लिश होने में कितना टाइम निकल जाता है. सिमरन दीदी को ही देखिए ना. क्या देखिए? क्या देखिए? सिमरन आज जिस मकाम पर है बड़े बड़े लोग जेलस फील करते हैं. और शादी का क्या है, शादी भी हो जाएगी लेकिन लड़कियों को शादी से पहले अपना करियर बनाना चाहिए. शादी के बाद किसी का करियर नहीं बनता है. हमने तो सोचा भी नहीं था दीदी कि इतनी उम्र तक सिमरन शादी नहीं करेगी. पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है और देखने में भी अच्छी खासी खूबसूरत. इसीलिए पद्मा, इसीलिए हमारी सिमरन की जिंदगी में जरूर कोई खास लड़का होगा. कौन, कब, कैसे उसकी जिंदगी में आए, उसे पसंद आ जाए, उसका हमनशी बन जाए, हम कैसे कह सकते हैं? यही यही तो नियति है. स्कॉट स्कॉट आई हेट स्कॉट. Look like imbeciles, यार. बच्चों की फोटो खींच के लेकर आया क्या? बहुत बहुत ही टुच्चा काम किया तूने. कुछ ढूंढ, कुछ ढूंढ, कुछ ढूंढ, कुछ ढूंढ, जल्दी ढूंढ यार. हाय सिस. मिलेगा बेटा, दिल से ढूंढ, मिलेगा मिलेगा मिलेगा. थैंक यू. जानते नहीं ये अस्पताल है? जी वो मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने आप चल गया. अच्छा कैसे? ऐसे आपको देखते ही ये खुद. आप हैं ही इतनी खूबसूरत. बकवास बंद कीजिए और इसे अंदर रखिए वरना मैं सिक्योरिटी बुला दूंगी. नो एक्चुअली ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझता है. और आप मुझे ज्यादा ही बेवकूफ समझते हैं. आप लोगों की जेनरेशन जो है. मेरी जेनरेशन? देखिए मैं आपसे आपकी उम्र तो नहीं पूछ सकता. खैर आप उम्र में इतनी बड़ी तो नहीं होंगी कि हम दोनों के बीच में जेनरेशन गैप हो. You're not old, and I'm not an infant either. Hi, I am Abhimanyu.